नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। ऑल इंडिया माइनॉरिटीज फोरम फॉर डेमोक्रेसी के तत्वाधान में नजमुल हसन जैदी के सम्मान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता ऑल इंडिया माइनॉरिटीज फोरम फॉर डेमोक्रेसी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व कार्यवाहक मुख्यमंत्री डॉक्टर अम्मार रिजवी ने की। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद और उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री प्रोफेसर दिनेश शर्मा नजमुल हसन जैदी के किस्से याद कर भावुक होते नजर आए। कार्यक्रम में जैदी परिवार से डॉक्टर जैनब जैदी और डॉक्टर अब्बास जैदी ने सभी आगंतुकों का स्वागत किया। राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा जी मौजूद हैं। सर, आप कार्यक्रम में आए नजमुल हसन जैदी साहब एक शख्सियत थे। वो अत्यंत लोकप्रिय अधिकारी थे, कठिन कार्यों को भी वो मधुर मुस्कान के साथ में पूरा कर लेते थे। सर, आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो अधिकारियों के और पुराने परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो क्या कुछ सीख देना चाहेंगे? मैं तो ये कहूँगा कि नजमुल हसन जैदी जी के ऊपर एक पुस्तक लिखनी चाहिए। बिल्कुल। और उनकी कार्यप्रणाली को जो लोग जानते हैं उनके संस्मरण लिखने चाहिए और जो एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारी आवे उनको भेंट की जानी चाहिए। कम से कम पद पर रहने के बाद आपका व्यवहार क्या हो, ये अधिकारियों को जब उनको प्रशिक्षण दिया जाता है तब भी बताने की ज़रूरत है। और मैं समझता हूँ कि जैदी साहब के तमाम संस्मरण आज लोगों के पास में है। अच्छा सर, एक मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आतंकवादी कहते हुए बोला है कि बटेंगे कटेंगे नारे के ऊपर, तो आप क्या सोचते हैं उस नारे के ऊपर? जो अब खड़गे साहब की उम्र हो गई, उनके बारे में क्या बोलना है? इस नारे के ऊपर क्या सोचते हैं? बैठे बैठे वो सपना देखते हैं जी। सबको एक रहने की ज़रूरत है, खड़गे साहब को समझना चाहिए। हम लोग मौजूद हैं लखनऊ विश्वविद्यालय में, जहाँ एक्स ब्यूरोक्रेट को लेकर सम्मान समारोह हो रहा है। मेरे संग डॉक्टर अम्मार रिजवी साहब मौजूद हैं। डॉक्टर अम्मार रिजवी साहब से जानेंगे क्या कुछ कार्यक्रम है, सब क्या कार्यक्रम है। देखिए, ये कार्यक्रम जो है वो ऑल इंडिया माइनॉरिटीज फोरम फॉर डेमोक्रेसी के तत्वाधान में किया जा रहा है। ये एक बहुत ही सीनियर और बहुत ही पॉपुलर ब्यूरोक्रेट थे, उत्तर प्रदेश सिविल सर्विस के बहुत सीनियर मेंबर थे नजमुल हसन जैदी साहब, जो एडीएम भी थे, सिटी मैजिस्ट्रेट भी रहे, एडीएम भी रहे और सारा वफ का काम भी उनके पास रहा है। यूनिवर्सिटी में उस ज़माने में 20 साल तक के जितने भी जो लॉ एंड ऑर्डर था, जो शांत व्यवस्था थी, उसको बराबर बनाए रखने में और छात्रों के साथ एक प्यार और मोहब्बत का वातावरण बनाए रखने में और अध्यापकों के साथ, इसमें जैदी साहब का बहुत बड़ी भूमिका थी। और आज भी लोग जो हैं वो इस बात को मानते हैं कि जिस प्रकार से नजमुल हसन जैदी साहब ने उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय में प्रशासन और शासन और साथ ही साथ यहाँ का वातावरण और यहाँ का सारा जो एकेडमिक एटमोसफियर था उसको जो जिस तरह से उन्होंने कंट्रोल में रखा और एक संपर्क एक कम्युनिकेशन गैप नहीं होने दिया छात्रों के बीच में, वो बात ऐसी किसी कभी भी नहीं रही। तो आज यहाँ पर इस प्रांगण में विश्वविद्यालय के इस हरिकृष्ण अवस्थी ऑडिटोरियम में ये हम लोग उनकी याद में ये जश्न ये फंक्शन कर रहे हैं। उसमें उनके बेटे डॉक्टर अब्बास जैदी जो हमारे बराबर खड़े हुए हैं, जो एक बहुत ही मशहूर चिकित्सक हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो चिकित्सक हैं वो मौजूद है यहाँ पर। तो ये कार्यक्रम उन्हीं की याद में हो रहा है। अभी दिनेश शर्मा जी यहाँ पे संबोधित कर रहे थे और बहुत ही काफ़ी संख्या में लोग जमा हुए हैं, उनके प्रशंसक जमा हुए हैं। हमें उम्मीद है कि जो नजमुल हसन जैदी साहब ने जिस प्रकार से लखनऊ विश्वविद्यालय में छात्रों और पूरे नगर में एक तरह से अपनी छाप छोड़ी है, दूसरे अधिकारी भी उनका अनुसरण करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। मेरे साथ डॉक्टर अब्बास साहब मौजूद हैं, नजमुल साहब के बेटे हैं, उनसे जानेंगे क्या कुछ कार्यक्रम है, क्या कुछ कार्यक्रम की विशेषता है आपने। बेसिकली जो ये कार्यक्रम है ये अम्मार रिजवी साहब ने ऑर्गेनाइज़ किया है और बहुत सारे इनके दोस्त जो हैं वो पहले
से ही इस कार्यक्रम के लिए कहते आए थे कि इनके बारे में जो है डिस्कशन लखनऊ यूनिवर्सिटी में होना चाहिए, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी और सर ने इस काम को अंजाम दिया यहाँ पे। बहुत बहुत शुक्रिया सी न्यूज़ से बात करने के लिए। कैमरामैन अपूर्व के साथ ऋषभ सक्सेना, लखनऊ विश्वविद्यालय, सी न्यूज़ भारत। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।